हमारे पास पेशेंट गायत्री आई थी 3 महीने पहले। वो एक जेंडर डिस्फोरिया की पेशेंट थी, जिसमें मानसिक रूप से वो बिल्कुल पुरुष थी बट शारीरिक में वो पूरी स्त्री थी। उन्होंने हमने पहले भी उनके ऑपरेशन किए थे। अब उनकी चाह थी कि उनके पास पुरुष की तरह लिंग हो, ताकि वो खड़े होके मूत्र कर पाए और बाकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी वो कर पाए। हमने मरीज को अच्छे से देखा, उनको पूरा समझाया। हमने अत्याधुनिक तकनीक और काफी मुश्किल टेक्निक होता है जो माइक्रो सर्जरी से हम हाथ के ऊपरी हिस्से से हम लिंग पुरुष लिंग बनाते हैं, यही चीज हमने उनको समझाई और वो इसके लिए सहमत थी। तो हमने उनको ऑपरेशन के लिए लिया और उनके लेफ्ट हाथ के ऊपरी हिस्से से पुरुष लिंग बनाया, जिसमें 2-3 घंटे लगे हमें। और हमें सारी नसें, उसकी खून की नसें और बाकी नसें भी सारी बचाई। और बाद में इस लिंग को हमने, जहां एक पुरुष में लिंग होता है नीचे, वहां पे उसको प्रत्यारोपित किया। वहां पे हमने खून की नसें जोड़ी पहले, फिर पेशाब का रास्ता जोड़ा गया। बाद में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो जरूरी होता है, वो होता है नसों को जोड़ना, ताकि उनमें इरोटिक सेंसेशन रहे, जो सेक्स के टाइम सेंसेशन रहती है वो सेंसेशन आए। इसीलिए हमने वो नसें भी जोड़ी। ऑलमोस्ट ये सारा ऑपरेशन करने में हमें 6 से 8 घंटे लगे। मरीज अभी बिल्कुल खुश है। अभी ऑलमोस्ट 6 हफ्ते हो चुके हैं ऑपरेशन को। वो खड़ा होकर पेशाब कर पा रहे हैं।